डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड डैशपॉट डैम्पिंग। तो फ्लूइड डैशपॉट डैम्पिंग एक तरीके का विस्कस डैम्पिंग है, और ये जो फ्लूइड डैशपॉट डैम्पिंग होता है उसमें विस्कस फ्लूइड से भरा हुआ एक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन मूवमेंट करता है, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर। ठीक है, अभी यहां पर हमें फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर के लिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो ये चीज हम हाइड्रोस्टेटिक ल्यूब्रिकेशन थियरी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ हाइड्रोस्टेटिक ल्यूब्रिकेशन, द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू अ फाइनाइट स्लॉट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू बी इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12 म्यू इंटू एल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में डेल्टा पी है प्रेशर डिफरेंस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है विड्थ ऑफ स्लॉट इन मीटर, एल है लेंथ ऑफ स्लॉट इन मीटर, एच है थिकनेस ऑफ फ्लूइड फिल्म इन मीटर, म्यू है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए यहां पर हम एक फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर को कंसीडर कर रहे हैं जिसका स्कीमेटिक डायग्राम आप बाजू में देख सकते हैं। ठीक है, अभी फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर के स्कीमेटिक डायग्राम में जो टर्म्स है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले एपी, तो वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इन मीटर स्क्वायर, एलपी वो है लेंथ ऑफ पिस्टन इन मीटर, ई वो है रेडियल क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर इन मीटर, डीएम वो है मीन डायमीटर ऑफ एन एन्यूलर एरिया बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर इन मीटर, म्यू तो वो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा पी वो है प्रेशर डिफरेंस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एफ वो है डैम्पिंग फोर्स इन न्यूटन, क्यू तो वो है फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन मीटर क्यूब पर सेकंड, वी तो वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, लेकिन डायनामिक्स ऑफ मशीनरी में हम वी की जगह एक्स डॉट लेते हैं, तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लेंगे एक्स डॉट। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग दिस इक्वेशन फॉर फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड थ्रू एन एन्यूलर एरिया बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर इन फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर। ठीक है, और यहां पर हम बी की जगह लेंगे पाई इंटू डीएम, एल की जगह लेंगे एलपी और एच की जगह लेंगे ई। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन तो हाइड्रोस्टेटिक ल्यूब्रिकेशन थियरी का इक्वेशन है फ्लो रेट के लिए। ठीक है, और हमें फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर के लिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो हमें ये चीजें चेंज करनी होगी। ठीक है, तो अभी देखिए ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में लिख देते हैं। सो यहां पर क्यू एज इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एज इट इज, बी की जगह हम क्या लिखेंगे पाई इंटू डीएम। ठीक है, एच की जगह क्या लिखेंगे ई, सो यहां पर एच क्यूब है तो यहां पर हो जाएगा ई क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू म्यू एज इट इज, और एल की जगह हमें क्या लेना है एलपी, सो यहां पर आएगा एलपी। ठीक है, अभी देखिए हमें पता है कि प्रेशर डिफरेंस उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां पर हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम लिया है उसमें डेल्टा पी क्या हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, दूसरा हमें पता है कि फ्लो रेट उसका फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर हमने जो स्कीमेटिक डायग्राम लिया है फ्लूइड डैशपॉट डैम्पर का उसके हिसाब से फ्लो रेट q क्या हो जाएगा वेलोसिटी x डॉट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो डेल्टा p की वैल्यू है और q की वैल्यू है उसे इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, सो q की जगह क्या आएगा x डॉट इनटू ap इज इक्वल्स टू डेल्टा p की जगह हमें क्या लिखना है f अपॉन ap, सो यहां पर हमने f लिखा और नीचे डिनोमिनेटर में ap। ठीक है, पाई d पाई dm इनटू eq एज इट इज अपॉन 12 म्यू lp एज इट इज। ठीक है, अभी हम f को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो सामने जाकर न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और f के साथ न्यूमेरेटर में
जो टर्म्स है वो सामने डिनोमिनेटर में चली जाएगी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 12 म्यू एल पी इंटू एपी इंटू एपी एपी स्क्वायर इंटू एक्स डॉट अपॉन पाई डीएम इंटू ए क्यूब, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर में हमने विस्कस डैम्पिंग पढ़ा था, उसमें हमने डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला फाइंड किया था, वो क्या हो रहा था, एफ इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स डॉट, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो 12 म्यू एल पी इंटू एपी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई डीएम इंटू ई क्यूब न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लूइड डैशपोर्ट डैम्पर के लिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी है वो कौन सी चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड म्यू, दूसरा क्लियरेंस बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर ई, तीसरा लेंथ ऑफ पिस्टन एल पी एंड डायमीटर ऑफ पिस्टन डी एम, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।